नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर ऐप सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेजअप 500 कैशबैक ऑफर के बारे में। अगर आप पेजअप वॉलेट को यूज़ करते हो तो आप लोगों को मिलेगा 500 रुपये का कैशबैक पर पेजअप अकाउंट। लेकिन कैशबैक कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, सब कुछ बताऊँगा वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग पेजअप वॉलेट को यूज़ नहीं करते हो तो प्ले स्टोर ओपन करके पेजअप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पैन कार्ड के थ्रू मिनी KYC कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक रेफर कोड मिल जाएगा, अगर आप लोग रेफर कोड एंटर करके साइन अप करोगे तो आपको 50 रुपये कैशबैक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैं एक ओल्ड यूज़र हूँ, तो चलिए मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हो मेरी अवेलेबल बैलेंस है 0.72 पैसा। जब आप लोग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऐड मनी करने के लिए आप लोगों को KYC कंप्लीट करना होगा। जब तक आप लोग KYC कंप्लीट नहीं करोगे ऐड मनी नहीं होगा। तो आप लोग मिनी KYC या फिर फुल KYC कंप्लीट कर सकते हो। जब आप लोगों का मिनी KYC कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोगों को बैलेंस के ऊपर क्लिक करके 5000 रुपये ऐड मनी कर लेना होगा डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो आप लोग देख सकते हो मैंने 5000 रुपये अपने पेजअप वॉलेट में ऐड मनी कर लिया है। 5000 रुपये ऐड मनी हो चुका है। अब पेजअप एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके दूसरी एप्लीकेशन ओपन करना है, ओला कैब। ओला कैब एप्लीकेशन ओपन करके सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में मिलेगा थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे मिलेगा आपको ओला मनी का ऑप्शन, ओला मनी के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ओला मनी बैलेंस बिल्कुल जीरो है। अब आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम 2500 रुपये ऐड मनी कर लेना होगा। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे मिलेगा ऐड मनी का ऑप्शन, ऐड मनी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप आ जाओगे पेमेंट पेज पे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन। सबसे नीचे मिलेगा अदर पेमेंट मोड, अदर पेमेंट मोड पर सेलेक्ट करना है और पेजअप सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पेजअप स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शॉट लेने का परमिशन नहीं देता, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा नहीं पाऊंगा। तो जब आप लोग पेजअप सेलेक्ट करके पेमेंट करोगे आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देना है, नहीं तो आप लोगों को कैशबैक नहीं मिलेगा। पेमेंट मेथड पे पेजअप कार्ड ही सिलेक्ट होना चाहिए, कोई दूसरा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। और अप्रूव के नीचे मिलेगा आपको प्रोमो कोड का ऑप्शन, प्रोमो कोड के ऊपर क्लिक करके टैक्सी प्रोमो कोड एंटर करके अप्लाई करना है। टैक्सी प्रोमो कोड अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको 250 रुपये कैशबैक नहीं मिलेगा। प्रोमो कोड एंटर करने के बाद आपको अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने 2500 रुपये ओला मनी में ऐड मनी कर लिया है। आप पे नाउ एप्लीकेशन ओपन करके रिक्वेस्ट पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मिलेगा रिक्वेस्ट पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अमाउंट एंटर कीजिए 2500 रुपये। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, से मैं लिखता हूँ ओला कैब। एक लिंक क्रिएट होगा और इस लिंक को कॉपी करके आपको किसी भी ब्राउज़र पर ओपन करना है। यहाँ पर डायरेक्टली आप लिंक के ऊपर क्लिक करके ब्राउज़र पे विजिट कर सकते हो। अब आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करके कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना होगा और उसके बाद वॉलेट सेक्शन पे ओला मनी सेलेक्ट करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं पे नाउ एप्लीकेशन ओपन करके पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकता हूँ। देखिए, पेमेंट आ चुका है। अब ये पैसा 2 वर्किंग डेज में मेरे बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। 2% का चार्ज लगता है और 2% के ऊपर 18% का GST। 2500 मैंने पेमेंट किया है और लगभग 2441 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में सेटल होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे नाउ मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करोगे तो उस दिन आपको अपना पैन कार्ड नंबर के साथ साथ बैंक अकाउंट भी लिंक करना होगा और बैंक अकाउंट वेरीफाई होने में 2 वर्किंग डेज टाइम लगता है। तो जब तक आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट मत करना, नहीं तो इस भाई की तरह आपका पैसा भी होल्ड हो जाएगा। दोस्तों, अब दूसरी ऑफर अप्लाई करने के लिए माई भारत QR के ऊपर क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन पहले नहीं था, अभी अभी आया है। इसके ऊपर क्लिक करोगे आप लोगों को एक QR कोड मिलेगा। तो ये मेरा भारत QR कोड है। अब इस कोड को डाउनलोड करने के बाद पेजअप एप्लीकेशन ओपन करना है। पेजअप एप्लीकेशन में होम पेज भी दिख जाएगा, स्कैन टू पे का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है और QR कोड स्कैन करके मिनिमम 2500 रुपये एंटर करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए पे विथ कार्ड के ऊपर क्लिक करना होगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो, 2500 दो बार में डेबिट हो गया है। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले 21 अक्टूबर को मैंने अपने दूसरे अकाउंट से ओला मनी ऑफर अप्लाई करके 2500 रुपये पेमेंट किया था और उसके बदले मुझे 250 रुपये का कैशबैक मिल गया है। आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूँ।
तो आप लोग देख सकते हो, मैंने 21 अक्टूबर को पेमेंट किया था और 26 अक्टूबर को मुझे 250 रुपये का कैशबैक मिल गया है। डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है प्रोमो टैक्सी। तो जिस दिन आप लोग ट्रांजेक्शन करोगे 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको 250-250 करके 500 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। जब आप लोग कैशबैक मिल जाए, अब इस कैशबैक को आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पेज़ैप वॉलेट वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर कॉपी करना होगा, ओपन करना होगा माई एयरटेल एप्लीकेशन। अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट है तो आप इजीली पेज़ैप वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से एयरटेल पेमेंट बैंक में ऐड मनी कर सकते हो और आपका सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप लोग देख सकते हो, 250 रुपये मुझे कैसे मिला था और 250 रुपये को मैंने अपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में ऐड मनी कर लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा। अगर आप लोगों के पास एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट नहीं है तो आपका पेयू नाउ का हेल्प लेना होगा और एक 250 रुपये का लिंक क्रिएट करके 2% का चार्ज देके आप अपना पैसा को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऑफर का टर्म एंड कंडीशन चेक करना है तो पेज़ैप एप्लीकेशन में होम पेज आपको ये बैनर दिख जाएगा ओला मनी का, इसके ऊपर क्लिक करना है और ओला मनी ऑफर का टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बाद में देख सकते हो। टैक्सी प्रोमो कोड एंटर करना है और आपको मैक्सिमम 250 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। और दूसरी ऑफर का चेक करने के लिए आपको इस बैनर के ऊपर क्लिक करना होगा। ये भारत क्यूआर कोड वाला ऑफर है, यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 250 रुपये कैशबैक मिलेगा और दोनों ही ऑफर 31 दिसंबर 2018 तक वैलिड है। आप लोग आराम से हर एक अकाउंट से ऑफर को अप्लाई करके 500-500 रुपये कैशबैक कमा सकते हो। आपके पास जितने भी पेज़ैप वॉलेट है आप सभी वॉलेट से 500 रुपये कैशबैक कमा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।